दोस्तों आज हम बात करेंगे वडोदरा शहर में रहने वाले परमार परिवार के बारे में। भाई की एक गलती की सजा पूरा परिवार भुगत रहा है। इस एपिसोड को पूरा देखिए और आपके सभी ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। मेरा नाम नितिन रमेश भाई परमार है। ये मेरी बेटी है नूपुर नितिन भाई परमार। मेरी वाइफ है यशुमती नितिन भाई परमार। ये मेरी मम्मी है कमलाबेन रमेश भाई परमार। मैं पहले लेडीज टेलर का करता था, साथ साथ में दारू पीता था, उसमें ये शरीर कमजोर हो गया पूरा। लीवर पर सूजा आ गया, अभी काम भी नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। अभी मेरे घर में एक मेरी वाइफ ही कमाने वाली है, मेरी मम्मी से भी नहीं जाया जा सकता और खाने पीने के भी लाले पड़े हुए। मेरा नाम यशुमती परमार है। मेरे घर में अभी किसी की नौकरी धंधा है नहीं। मेरे घर वाले की ऐसी हालत है, दारू पी है उसमें ये हालत हो गई। मेरे बच्चों की अभी मेरी लड़की आठवें में आई है, लड़का चौथी में आया है। उनकी फीस भरने का भी पैसा नहीं है सर। डेढ़ महीने दाखिल रखे हॉस्पिटल में। अभी घर में भी खाने के भाव पड़े हुए हैं। ना मेरे से जाया जा सकता, कमाया जा सकता है, और कोई धंधा भी नहीं आता है लेडीज टेलर के सिवा, और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो जहाँ छुट्टक मजूरी मिलती है तो हम जाती हूँ, पर मेरे को मेरे घर वाले की दवाई भी बाहर से लाती हैं। मेरे हस्बैंड को जब हमने बोला कि दारू मत पियो तो उन्होंने सुना नहीं और दारू पीने का ही चालू ही रखा, इसमें ऐसी हालत हो गई। मैं दारू कम से कम 15 साल से पीता था। दारू पे दवाई पी ली थी मैंने, उसके लिए थोड़ी तकलीफ आती है। मैं तो बोलता हूँ कोई को दारू पीना ही नहीं चाहिए। पहले मेरा वजन 90 किलो था, ये दारू दारू में ही यही इतना शरीर वो हो गया है मेरा। प्रार्थना करता हूँ कि दारू पीना बंद करो। दारू पीने से बहुत घर में तकलीफ आती है, समाज में नाम खराब होता है और अपनी लाइफ भी खराब हो जाती है। पहले जब ये पीते थे तब मैं भी समझती मत पियो मत पियो, तब इन्होंने सुना नहीं, अब जाके पछता रहे। मुझे भी पढ़ने में बहुत तकलीफ आ रही है कि जरूरत की चीज़ें नहीं है, नोटबुक नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक मेरी मम्मी है जो हम दोनों को पढ़ा सकते हैं। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भाई दारू बंद कर दो, क्योंकि दारू में कुछ रखा नहीं है। दो पल की मस्ती होती है, फिर जीवन भर का रोना ही होता। मैंने तो ये बात सीख ली है, अब आप भी सीख लो और अपने परिवार को संभालो ठीक से अच्छी तरह से। दारू ना में ना बच्चे रहते ना घर रहता है।
है, उसका नाम है इलाबेन रमेश भाई लाडानी, और उसके पूरे परिवार की तरफ से और उसके खास करके उसके बेटे जो उसकी पहली पगार आने पे और उसे उसकी पगार पे कोई किसी फैमिली को अच्छा हो, इसलिए आज एक परिवार के लिए एक पूरा दोनों बहन भाई के लिए वो स्कूल फी के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई, आपको बहुत ही तरक्की मिले, भगवान आपको बहुत ही आगे ले जाए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इलाबेन रमेश भाई आपका धन्यवाद, अपने बच्चों के लिए इतना किया और मेरे बच्चों पढ़ने के लिए चाहते हैं, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, आपकी बहुत धन्यवाद। चलिए तो अब हम जो भी कोई स्टेशनरी भी लेनी है ना बेटा, तो वो भी